तीन राज्यों में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, तो वहीं विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी बहुत सस्पेंस बना हुआ था, जो खत्म हो गया है। और भजन लाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। विधायक दल की बैठक के बाद ये फैसला हुआ कि राजस्थान के मुखिया होंगे भजन लाल शर्मा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को बनाया गया है और इसके साथ ही प्रेमचंद बैरवा को भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन जिस तरीके से तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन किया गया है, उसमें जो जातिगत समीकरण है वो भाजपा की ओर से साधने की कोशिश की गई है। देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया गया है। इसके साथ ही राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में भाजपा ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर ब्राह्मण समाज को सीधे सीधे साधने की यहाँ पर कोशिश की है। तो एक तरीके से तीनों ही राज्यों में जिस तरह से अलग अलग वर्ग से यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो सीधे तौर पर मजबूत वोट बैंक समीकरण साधने की भाजपा ने कोशिश की है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पहला आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा समेत अन्य सभी राज्यों में एसटी वर्गों को आकर्षित करने की यहाँ पर रणनीति बनाई है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया था, वो भी आदिवासी समाज से आती हैं। उसके बाद बीजेपी ने आदिवासी बाहुल राज्य में मुख्यमंत्री देकर अपना वोट बैंक पुख्ता कर लिया है, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी वर्ग का वोट बैंक है वो अब बीजेपी के खेमे में सीधा सीधा यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाकर पूरे देश भर में ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने का काम भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के बाद भाजपा ने ये काम किया है, जिससे सारे ब्राह्मण मतदाता जो है वो उनको रिझा पाने में भाजपा कामयाब होती हुई यहाँ पर नजर आई है। राजस्थान में ब्राह्मणों की संख्या लगभग 12% है और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण हैं। सामान्य तौर पर ब्राह्मण बीजेपी के समर्थन में वोट करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के उलाहना इस बात की रहती आई है कि इस वर्ग से किसी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा। लेकिन अब जो बात है, राजस्थान में इसी वर्ग से यानी कि ब्राह्मण समाज से ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बनाया गया है। हालांकि असम में भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री ज़रूर है, लेकिन उत्तर भारत में अपना प्रेजेंस ना पाकर थोड़ी नाखुशी ज़रूर ब्राह्मण समाज में यहाँ दिखाई देती थी। ऐसे में एक झटके में बीजेपी ने राजस्थान में ब्राह्मण सीएम बनाकर सबका गिले शिकवे दूर कर दिए हैं। अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो एमपी में ओबीसी यादव को मुख्यमंत्री, तो ब्राह्मण और दलित को उपमुख्यमंत्री और स्पीकर राजपूत वर्ग को बनाया गया है। इससे वहां के जातीय समीकरण पूरी तरह से अपने पक्ष में भाजपा ने कर लिए हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरह से अलग अलग वर्गों से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ओबीसी हो, आदिवासी हो या फिर ब्राह्मण हो, तीनों ही वर्गों से जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उसके बाद एक मजबूत जातिगत समीकरण को साधने में भाजपा ने कामयाबी कहीं ना कहीं हासिल कर ली है।